अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियाँ कबूल अता फरमाए, और जो नहीं कर सके अल्लाह पाक उनको अगले साल तौफीक अता फरमाए। और माशाल्लाह आज फर्स्ट डे है तो ईद उल अज़हा अकीदो एहतराम से आज मनाई जा रही है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही, ये 10 मिनट पहले कोटलापुर रेलवे स्टेशन पर आया हूँ, क्योंकि कोटलापुर रेलवे स्टेशन मेरे घर के पास है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि अपनी तरफ से सबको जो है ईद मुबारक कह दूँ। तो ये छोटी सी एक वीडियो है। तो अभी एक ट्रेन भी आ रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, तो आज थोड़ा सा लेट है कि जो 27 अप थी वो कराची से थोड़ी 4 घंटे लेट आई थी, तो इस वजह से जो है तकरीबन 1.5 घंटा लेट है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। तो जैसे ही वो आती है उसको थोड़ा कैप्चर करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी मेरी। जी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस आ रही है, और जो लोकोमोटिव है उसको GO40 लगा हुआ है, और बड़ी ज़बरदस्त स्पीड में आ रही हुई है धुआं उड़ाते हुए, और कोटलापुर रेलवे स्टेशन पर थोड़े से मुसाफिर भी बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में यहाँ से गुजरी है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। और तो बाकी इंशाल्लाह मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और नेक्स्ट जो मुलाकात होगी हमारी परसों मुलाकात होगी, मतलब ईद के तीसरे दिन, क्योंकि ईद के तीसरे दिन जो है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस जो है बरास्ता फैसलाबाद चलेगी, और इसको इंशाल्लाह मैं कैप्चर करने ज़रूर जाऊँगा लाहौर रेलवे स्टेशन पर। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।